हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारा है, ये LG का टॉप लोड मॉडल है टर्बो ड्रम। ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है और इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ड्रेन मोटर काम नहीं कर रहा है। हमने पूरी वायरिंग सब चीज़ कनेक्ट कर दी है, ये देख सकते हैं आप। तब आपको आगे बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें ड्रेन मोटर ऑन नहीं हो रहा है। और आज हम बताएंगे इसे कैसे रिपेयर करना है, ये बोर्ड को। तो मैं बोर्ड को ऑन करूँगा, वाटर सेलेक्ट करूँगा, किसी पे भी लगा सकते हैं। सबसे हम देख सकते हैं LG में ये ड्रेन मोटर पहला हाफ लीवर खींचता है, वो नहीं खींच रहा है। फर्स्ट स्टेज भी काम नहीं कर रहा इसका, ड्रेन में भी इसका काम नहीं कर रहा। ये हमने मैनुअल इसमें हवा फूकेंगे प्रेशर स्विच में और आपको बताएंगे कि ये चालू है। सिर्फ ये ड्रेन मोटर से काम नहीं कर पा रहा है। ये देखिए मैनुअली फूक रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ काम कर रहा है, वॉशिंग भी, सिर्फ ये ड्रेन मोटर काम नहीं कर रहा। एक बार इसे ऑफ करके मैं स्पिन में लगाऊंगा। ये स्पिन में लगा दिया है, सब टाइमिंग सब कुछ एक्यूरेट है, सिर्फ ड्रेन मोटर काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये बोर्ड से हो रहा है, एक्टिवेट नहीं हो रहा है, पानी भी बाहर नहीं जा रहा है। ड्रेन मोटर काम नहीं करने से पानी भी बाहर नहीं जाता है। अब देखिए जैसे स्पिन में लगाया, स्पिन भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम है इसके ड्रेन मोटर के सर्किट में। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे रिपेयर करना है। अब हम इसकी वायरिंग पूरी डिस्कनेक्ट करेंगे और मेन पावर बंद कर दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं वायरिंग डिस्कनेक्ट करना और ये बोर्ड भी खोल देंगे। अब हम स्क्रू निकालेंगे बोर्ड के सपोर्टिंग स्क्रू। बोर्ड निकल चुका है, और इसका जो आपको बताते हैं जूम करके, यहाँ पे इसका ये ड्रेन IC है जो स्विचिंग करता है ड्रेन को, ये हम बदलेंगे। हर LG मॉडल में तकरीबन यही प्लेस पे होता है, तो हम इसे चेंज करेंगे। तो PCB को ओपन कर दिया हमने, ये डबल होता है, इसमें साइड से पूरे 7-8 लॉक्स होते हैं, इसे आपको आराम से निकालना है। अभी PCB खुल चुका है। अब जो मैंने जो बताया था ये IC, ये हम चेंज करेंगे। तो ये IC है यहाँ पे, इसको हम पहले लोकेट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली कौन सी जगह पे है। ये इतना पीस हम इसे काटेंगे, ये रफली इसके पीछे मार्किंग कर दिया है। और सॉल्डरिंग आयरन लेके आपको ऐसा गर्म करके यहाँ से पूरा इसको गलाना है, फिर इसका जो टुकड़ा रहेगा वो निकल जाएगा। ये हो चुका है, ठीक है, पीस निकल गया है। अब यहाँ से हम इसका जो है ये पीछे ये पूरा निकालेंगे, इसका जो है ग्लू
और हमारा सोल्डरिंग आयरन भी काला हो चुका है, इसका टिप, इसको आपको पहले साफ करना है, उसके बाद ही इसे यूज़ करना पड़ेगा। ये क्लीन हो चुका है, इसका ग्लू निकाल दिया है। अब हम इसके डिसोल्डरिंग वायर से ये आईसी इसको हटाएंगे यहाँ से। तो ये पुरानी आईसी हमने निकाल दी थी और बोर्ड भी साफ़ कर दिया, थिनर से होल्स भी क्लियर कर दिए। अब मैं इसमें BT134 आईसी लगाऊंगा। इसमें नहीं दिख रहा है आपको, वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आईसी लगा दी मैंने, आप पोजीशन देख सकते हैं, नीचे आ गए इसके लेग्स। मैं सोल्डरिंग करूंगा इनके। तो सॉल्डरिंग हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इसमें बाद में पीछे से ग्लू गन से पूरा से चिपका दूंगा, इसका जो कैप निकाला था वो पहले फिर से फिट कर दूंगा, और यहाँ पे भी थोड़ा गम डाल दूंगा ग्लू गन से। आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, सिलिकॉन भी लगा सकते हैं। आईसी फिट हो चुकी है BT134, और एक्चुअली ये वाला जो है आईसी जो पोजीशन पे था वो फर्स्ट स्टेज का है, मतलब ये जब खींचता है ना पहली बार, तो उसका ये वाला आईसी है फर्स्ट स्टेज। और ये यहाँ देख रहे हैं ये सेकंड है, ये मतलब जब ड्रेन होता है ना तो पूरा पुल करता है ड्रेन मोटर, ये वाली आईसी है। तो कभी पूरा फर्स्ट स्टेज काम कर रहा है, कब सेकंड स्टेज काम नहीं कर रहा, तो फिर आपको ये वाला आईसी बदलना पड़ेगा, वो भी यही सेम नंबर रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज का है, वॉशिंग का टाइम पे जब पुल करता है, और ये सेकंड स्टेज जब ड्रेन होता है तब पुल करता है। तो चलिए इसको मैं फिट करता हूँ बोर्ड में और टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। तो पूरा फिट हो चुका है, एक बार स्टार्ट करते हैं। प्लग लगा दिया मैंने फर्स्ट, एक बार वॉश मोड पे लगेंगे इसे। ये फ्लैशिंग मतलब कैमरे से हो रहा है पर सही है वो। ठीक है, पहला स्टेज हो गया है, पुल हो गया है, ये भी चालू हो गए हैं। एसवी वॉल ये इसके नहीं है पर दूसरा लगाया मैंने टेस्ट के लिए। एक बार मैनुअली इसमें हवा मार के देखते हैं। तो सही है, स्पिन मोड पर लगाते हैं, पूरा पुल कर लेते हैं, मालूम पड़ेगा। ये पावर बटन ऑन, ये स्पिन और स्टार्ट। हो गया, पूरा पुल हो गया है। ये मैंने मैग्नेट लगाया इसमें डोर का। ये फ्लैशिंग सही है, ये आपको कैमरे में इससे कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो शुरू हो गया है स्पिन और मोटर भी काम कर रहा है, ये परफेक्ट काम हो चुका है। तो मैं इसे ऑफ करता हूँ। और जब कभी भी ये आईसी का जो रहता है जलने का कारण होता है आपका ड्रेन मोटर फॉल्ट है,
तो इससे भी सर्किट में प्रॉब्लम आता है। तो हमेशा आपको जब कभी भी वो ड्रेन का आईसी ख़राब होता है तो आपको ये ड्रेन मोटर भी चेंज करना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है। अगर फिर से आप पुराने इस पर लगाओगे तो फिर जल जाएगा जितना भी आपने काम किया था। तो दोस्तों आज आपने सीखा होगा हमने किस तरह से ये ड्रेन मोटर का प्रॉब्लम रेक्टिफाई किया है, उसका आईसी किस तरह से चेंज किया है। और दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए इतना ही है। जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।